देश के नए आर्मी चीफ जनरल मुकुंद नरवणे ने शनिवार को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सरकार से आदेश मिलेगा तो पीओके पर कार्रवाई करेंगे। सांसद ने पीओके को भारत का हिस्सा माना है, पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। आर्मी चीफ ने आगे कहा कि चीन और पाकिस्तान सीमा पर एक साथ नजर रखने की जरूरत है, भविष्य की तैयारी के लिए बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत है, भविष्य के युद्ध के लिए सेना को तैयार करना होगा। विश्वास भरा पैगाम देते हुए कहा कि सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। CDS को लेकर आर्मी चीफ ने कहा कि CDS का बनना महत्वपूर्ण कदम है, CDS के गठन से सेना को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि तीनों सेनाओं के बीच तालमेल जरूरी है, हम भविष्य की चुनौतियों और खतरों को ध्यान में रखकर प्लानिंग करेंगे और प्राथमिकता के हिसाब से बजट का इस्तेमाल किया जाएगा। गौरतलब है कि जनरल बिपिन रावत 31 दिसंबर को सेना प्रमुख के पद से रिटायर हुए थे। इसके बाद जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने यह पद संभाला था। वहीं रावत ने 1 जनवरी को देश के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कार्य संभाला। इसके पहले जनरल नरवणे भारतीय सेना के उपाध्यक्ष के रूप में सेवा दे रहे थे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।